नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और हम खड़े हैं आज अहमदपुर खालसा विधानसभा 176 मोहन लालगंज जिला लखनऊ में। जैसा कि आज वोट पड़नी थी 20 तारीख को, आज है चुनाव का पांचवा चरण और गांव में क्या माहौल रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, बूढ़े बुजुर्गों से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। आने वाली सरकार कोई भी हो क्या करती है, क्या रणनीति, किस लिए वोट डाला है, कैसे वोट डाला है, ये सभी जानकारी और चर्चाएं इन विषयों पर बात करेंगे। आप वोट कितने बजे डालने गए थे? 7 बजे गए थे। तो आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? हम मुद्दे पर डाला कि गांव का विकास हुआ है, हर चीज़ हुआ है, जो लड़के हैं नौकरी नहीं मिल रही है उनका नौकरी मिलना चाहिए, फ्री पढ़ाई होना चाहिए, ये गवर्नमेंट कर नहीं रही है। अच्छा, सब छटकन का नौकरी नहीं दे रही है, ना छटकन का पढ़े, मतलब वो फीस इतनी ज़्यादा ले रही है कि छटका आदमी पढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब ये वर्तमान सरकार से खुश नहीं है, अगर अगली बार आती है वो इससे भी ज़्यादा बुरी सरकार होती है तो आप फिर क्या करेंगे? तो फिर देखा जाएगा, जो सही लगेगा फिर बनाएंगे। अच्छा, तो मतलब ये वर्तमान में इस सरकार से खुश नहीं है। तो आप भैया वोट डाला है? हाँ भैया, वोट डाला है। अच्छा, तो आपकी जो है इस सरकार से क्या अपेक्षाएं रही हैं, या फिर जो सरकार अपोजिट में है कांग्रेस भाजपा बसपा, तो जो भी लड़ रही हैं उनसे अगर कोई जीतता है, या आप किस मुद्दे पर वोट डाल के आए हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किस मतलब मुद्दे पर डाल के आए हैं? अब रोजगार क्या, अब जो है रोजगार यही है कि हम देख रहे हैं, हम जो है कि लड़कों को जो है कि ऐसी पढ़ाई उनकी बर्बाद की गई है कि जैसे कि मतलब कि हाई स्कूल इंटर में लड़का हुआ, ठीक, एक विषय में फेल है तो मतलब कि बैक पेपर लगा दिए गए, अब जो है कि वो भी पास है मान के चलिए गए, ठीक। अभी अभी जो है कि ये इसको क्या बोलते हैं, अरे अग्निपथ वाली नौकरियों की बात आई, ठीक। अब लड़का किसी तरीके से वो तैयारी बनाया, जो है साल 6 महीना दौड़ा भागा, सब कुछ हाथ पैर तोड़ दिया सब कुछ, अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो 4 साल के लिए नौकरी में वो क्या कर लेगा, ठीक है सर। उसके बाद 4 साल के बाद फिर वो क्या करेगा, नौकरी ही ढूंढेगा, भले ही 10,000 की नौकरी मिल जाए उसको, ठीक, 5,000 की नौकरी मिल जाए। अच्छा, ये मेन मुद्दे में इस मुद्दे पर उन्होंने वोट डाली, बहुत अच्छा रहा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो है कि हम उस दिन जो है कि ये डिंपल यादव जी आई थी, तो जो है वहाँ पे ये चीज़ कहा गया था कि जो है कि किसानों के लिए खाद की बोरी अभी तक 50 किलो की आ रही थी, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि जो है मतलब कि गवर्नमेंट जो है कि ये कम किए हैं, ठीक। हम लोग तो सोच रहे थे कि मतलब ये लोग फैक्ट्री वाले लोगों ने कम किया, पिछले 5 वर्षों में जो है 45 किलो की बोरी आने लगी, लेकिन पैसा कोई नहीं किसान का कम हुआ। उसके बाद जो है कि अब आप देख रहे हैं 5 किलो और घटा दी गई, 40 ही किलो की बोरी आती, लेकिन पैसा कोई नहीं घटा है। जैसे मोदी जी की तरफ से 2,000-3,000 रुपए दिए जाते थे किसानों को, वो दे रहे हैं, वो बात ठीक है, वो मिल रहा है, अच्छी बात है, उनका जो है कि वो भी अच्छी बात है, लेकिन 2,000 रुपए दे रहे हैं, एक दिन में आके जो है कि जानवर आके जो है कि गांव वाले लोग भी छोड़ देते हैं, आके अगर चढ़ गया तो 2,000 तो हमारा जो है एक बार बराबर हो गया ना। अच्छा, गाँव में कौन आमतौर पर कौन सी समस्याएं हैं गांव के लिए? अरे गांव में जो आप सरकार को जो है बताना चाहते हैं इस माध्यम मैसेज के माध्यम से कि हमको ये चीजें नहीं उपलब्ध कराई गई हैं जो उपलब्ध कराएं सरकार, अरे जिसके लिए हमने वोट किया है। अब जो अनाज मिलता था 35 किलो अगली सरकार में, अब ये सरकार में 5 किलो मिलता है, वो लाइन लगाए खड़े हो जाए। दूसरी चीज, अब अनाज गाँव घर में खेती में पैदा नहीं हो पाता है, जानवर चर लेते हैं, नील गाय खा लेते हैं, इनको हटाया जाए और छोटे मोटे लड़कों को नौकरी दी जाए, ये सब घूमते हैं, इसलिए ये सरकार से हम लोग नफरत करते हैं, ये सरकार ठीक नहीं है। बस सरकार चाहे जो वही कुत्ता हटा दी जाए खाली। भैया हमका चाहिए आराम लाओ, बताओ भैया सरकार चाहे देखे हुए हमका आराम चाहिए, हमका कोनो दिक्कत ना हुआ, हमारे आस पास जितने अराजक तत्व है हमारी नजरिन पर न पर आई समझे, ये सब हटा दी जाए, वह सरकार चाहे मायक हुए, चाहे मुलायम की हुए, चाहे मोदी की हुए, ठीक। और रही बात कांग्रेस के, तो यूँ तो हमारे जहाँ तक सोच है कि ये यार राहुल भैया चला ले। जैसे वर्तमान सरकार रही है, धारा 370 हटा दी गई है, उससे देशवासियों को कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, फ़ायदा तो हुआ है और आने वाले समय में और भी फायदा होगा। लेह लद्दाख में अपनी असेंबली नहीं, वहाँ पर असेंबली बनाई जा रही है, ठीक है। कश्मीर में जो है POK जो है पाकिस्तान अधिकृत है, उसको अगर अपने कब्जे में लिया जाए तो इस सरकार की उपलब्धि क्या रहेगी?
एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, इसके लिए बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। हमारे कहने से जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो इंडिया में नहीं आ सकता, ठीक है। उसके लिए कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज होती है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है। नहीं, अगर पहले से वो भारत का हिस्सा रहा है, ठीक है, मतलब अनर्गल तरीके से उसको अधिकृत कर लिया गया है, उसको कैसे हम लोग ले सकते। अगर आप इस प्रकार से देखें कि भारत का हिस्सा रहा है, तो भारत का हिस्सा एक प्रकार से बांग्लादेश भी रहा है, पाकिस्तान भी रहा है, इस प्रकार से तो हमें पूरा भाई अखंड भारत कैसे बनेगा, अखंड भारत कैसे बनाएंगे। अखंड भारत बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे विश्व को एक साथ अपना ही कब्जा कर लें। बस अखंड कुटुंब देवकम का मतलब एक विश्व एक परिवार। तो हम लोग शांति चाहते हैं, भारत में सिर्फ शांति चाहते हैं। कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क शांति चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में, हर जगह अराजकता तो पाए जाते हैं, उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में भी कोई ना कोई एक नए अराजक तत्व तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको निकाल करके बाहर ही फेंकते हैं। कहने का मतलब जो है अगर पक्ष है तो विपक्ष भी रहेगा, बिल्कुल। और यहाँ पे जो है हमारे एक व्यापारी हैं श्री हरि प्रसाद, इनसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाएं। क्या दिक्कतें रही हैं इस सरकार में, क्या पिछली सरकार में दिक्कतें रही हैं, और जो सरकार बनेगी उससे क्या ये आशा करते हैं, बताइए हरि प्रसाद जी। क्या इस सरकार में क्या दिक्कतें हैं आपको, और क्या अच्छा मतलब आपको उपलब्धता हुई है ये बताइए। बहुत कुछ उपलब्ध है। आप जैसे बनिया वर्ग से आते हैं, आपको जैसे बिजनेस करने में और ये क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब अच्छा है। अच्छा, शिक्षा कैसे देना चाहते हैं आप? अच्छा ठीक ठाक चल रही। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस ठीक ठाक अच्छा चल रहा है, बहुत सही। अच्छा, अगर मान लो कांग्रेस सरकार आती है तो उससे क्या अपेक्षा करते हैं आप? पैसा डाल जब आएगी तो देखा जाए। अच्छा, अगर मोदी सरकार में, अच्छा मोदी सरकार के कुछ चार जो है अच्छे कार्य गिना दीजिए। चार? हाँ जी, राशन फ्री मिल रहा है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, राशन फ्री मिल रहा सब लोग। और क्या, 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है। बहुत अच्छा मुद्दा, 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है, जो डायरेक्ट उनके बैंक खातों में आता था, जो पिछली सरकारों में इधर उधर देना रहता तो खा जाते थे। और तीसरा मतलब वो बताइए। तीसरा आप अकाउंट में आया है पैसा 2000 रुपये कभी? नहीं, हमारे में नहीं आया। अच्छा, आपको नहीं आया। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनाया आपका? नहीं बना। राशन कार्ड है? नहीं बना। अच्छा, अच्छी बात है। राशन कार्ड क्या जरूरत, आप तो जो है एक छोटे उद्यमी हैं। जरूरत है नहीं है। पहले ये बताइए आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र है भाई साहब, हम अहमदपुर खालसा में रहते हैं। अच्छा जी, हाँ? तो आप भैया वोट पड़ी हैं, तो क्या माहौल रहा है? हमारे यहाँ का जो माहौल रहा है जी, सरकार को देखते हुए जी, जो सरकार ने जो गलत नीतियाँ लागू की है, जो जनता के लिए कुछ किया नहीं है, इस समाज से जोतते हुए जनता ने सीधा साइकिल को वोट करी है सर। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर साइकिल की सरकार आती है तो उसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी योजनाएं वो लागू कर सकते हैं? ये तो लिस्ट में बटा हुआ है, पूरी जनता को पता है, आपको भी पता होगा। अच्छा, हम तो आपको तो पता ही है, आपको पता तो इस सवाल क्यों पूछते हो? आप दो जो है वो बता दीजिए उनकी योजनाएं। जैसे हमने सुना है खटाखट बोल दिए ऐसे अफवाह मचाते हैं। अच्छा, खटाखट का ये मतलब हुआ ना जी कि महिलाओं को 8,500 रुपए महीना आएगा। अच्छा, खाते में 8,500। हाँ, और 300 यूनिट बिजली फ्री, और उसके आप जोड़ घटाओगे तो 2,000 की बिजली, और आदमी 150 रुपए आम जनता बिल नहीं दे पाती। इतनी फ्री योजनाएं और बहुत ढेर सारी योजनाएं। चलिए ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए हमसे।